कोरोना वायरस को पहले से प्रेडिक्ट करने वाली, बहुत सारे अर्थक्वेक को पहले से प्रेडिक्ट करने वाली और तो और वर्ल्ड वॉर 3 को पहले से प्रेडिक्ट करने वाली ये किताब भविष्य मालिका पुराण आज से लगभग 600 साल पहले लिखा गया ये पुराण भविष्य बताता है। जी हाँ, आपने सही सुना, ये पुराण भविष्य बताता है। लेकिन कोई किताब भविष्य कैसे बता सकती है? आइए इसको भी जानते हैं, आखिर ये किताब है क्या और अभी के टाइम में ये इतनी चर्चा में क्यों है। इस पुराण को 16वीं सदी में भारत के उड़ीसा डिस्ट्रिक्ट में रहने वाले एक संत जिनका नाम संत अच्युता दास था, उन्होंने इस पुराण को लिखा था। ऐसा कहा जाता है कि संत अच्युतानंद दास के पास बहुत सारी सिद्धियां थी जिसके कारण वो पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों को आभास कर सकते थे। इसके साथ साथ उन्हें योगा, तंत्र और आयुर्वेद की भी बहुत अच्छी नॉलेज थी। उन्हें पहले से ही पता था कि दुनिया किस राह में जाने वाली है, इसीलिए उन्होंने भविष्य मालिका पुराण को लिखा था और इसमें लिखी गई बहुत सारी बातें अभी तक सच हो चुकी हैं। ये किताब उड़ीसा के जगन्नाथ मंदिर से बहुत ज्यादा कनेक्टेड है, इसीलिए इसमें आपको जगन्नाथ भगवान की फोटो भी देखने को मिलेगी। इस पुराण के अनुसार उड़ीसा का जगन्नाथ मंदिर ही कलयुग के अंत का संकेत बनेगा। तो आखिर ये भविष्य मालिका पुराण क्या कहता है इस दुनिया के बारे में, आइए जानते हैं। तो 600 साल पहले भविष्य मालिका पुराण में ये लिखा गया था कि जगन्नाथ मंदिर के अंदर जो बरगद का पेड़ है जिसका नाम है कल्पवट, ये जब भी उखड़ेगा, क्योंकि स्वयं इसमें भगवान एक पेड़ के रूप में विराजमान है, तो जब भी ये उखड़ेगा तब कोई ना कोई बड़ा संकट या कोई बड़ी महामारी इस दुनिया में आएगी जिससे लाखों लोगों की मौत भी होगी। और इस वृक्ष के उखड़ने पर ये भी संकेत माना जाएगा कि कलयुग का अंत अब पास है। और हुआ ये 2019 में उड़ीसा में एक फैनी साइक्लोन आया जिसमें जो 600 साल पुराना जो बरगद का पेड़ था, जिसे 600 सालों से कुछ नहीं हुआ, वो अचानक से उखड़ गया और इतनी बुरी तरीके से डैमेज हुआ कि जैसा 600 साल में नहीं हुआ था। और उसके जस्ट 6 महीने बाद हमें देखने को मिली एक ऐसी महामारी जिसमें सच में लाखों लोगों की जान चली गई। जी हाँ, कोरोना वायरस महामारी। इसका दूसरा सबसे बड़ा प्रेडिक्शन था कि कलयुग का उम्र कम होना। सभी पुराणों में ये बताया गया है कि कलयुग की उम्र 432,000 साल है, लेकिन भविष्य मालिका पुराण में ये बताया गया है दुनिया में अत्याचार और बुराई बढ़ने के कारण कलयुग की उम्र 432,000 साल से घटकर सिर्फ 5,000 की रह जाएगी। और इसके अनुसार 2020 से ही कलयुग का अंत जो है वो आरंभ हो गया है। भविष्य मालिका का तीसरा और सबसे बड़ा प्रेडिक्शन ये था कि कलयुग का अंत। भविष्य मालिका के अनुसार इसमें बहुत सारे ऐसे संकेतों के बारे में लिखा गया है जो कि बताएगा कि कलयुग का अंत अब नजदीक है। ये किताब उड़ीसा के जगन्नाथ मंदिर से बहुत कनेक्टेड है, तो इसके अनुसार उड़ीसा का जगन्नाथ मंदिर स्वयं बताएगा कि कलयुग का अंत जो है वो नजदीक है। अगर हम इसके पहले संकेत की बात करें जो कि भविष्य मालिका में पहले से ही लिखा था, वो ये था कि किसी भी कारण से जगन्नाथ मंदिर का जो झंडा है अगर उसमें आग लगती है तो ये संकेत होगा कलयुग के अंत का। जो चीज 600 सालों में कभी नहीं हुई, जो चीज एक तरीके से इम्पॉसिबल भी थी, वो मार्च 2020 में हो ही गई। मार्च 2020 में जगन्नाथ मंदिर के झंडे में आग लग गई, जो कि एक संकेत बताता है कि कलयुग का अंत अभी नजदीक है। इसके दूसरे संकेत की बात करें तो ये है कि जगन्नाथ मंदिर के ऊपर चिड़ियों का बैठना, जो कि अभी बहुत ज्यादा देखा जा रहा है। भविष्य मालिका पुराण में ये बताया गया था कि जब लोग ये आभास करने लगेंगे कि जगन्नाथ मंदिर के ऊपर चिड़िया बैठ रही हैं, तो ये भी एक संकेत होगा कलयुग के अंत का। इस पुराण में ये भी लिखा गया है कि बहुत सारे देश मिलकर भारत पे अटैक करेंगे, यहाँ से वर्ल्ड वॉर 3 की शुरुआत हो जाएगी और ये वर्ल्ड वॉर बहुत लंबा चलेगा जिसमें लास्ट में जीत भारत की होगी और इंडिया दुनिया पे राज करेगा। इसमें 3 बड़े भूकंप को भी प्रेडिक्ट किया गया है जो कि साल 2020 के बाद कभी भी आ सकते हैं। उसमें से सबसे बड़ा अर्थक्वेक ऐसा आएगा कि नदियां पहाड़ के लेवल में आ जाएंगी और लगभग आधी दुनिया खत्म हो जाएगी और ऐसे ही होगा कलयुग का अंत। तो इस किताब के अनुसार ऐसे होगा कलयुग का अंत, लेकिन क्या हमें इस किताब को लिटरली लेना चाहिए? क्योंकि बहुत सारे साधुओं का ये कहना है और अभी भी ये मानना है बहुत सारे पुराणों का कि जब भगवान विष्णु का कल्कि अवतार आएगा उसके बाद ही होगा कलयुग का अंत। और कलयुग की उम्र जो है सभी पुराणों में 432,000 साल की ही बताई गई है। एक तरीके से देखे तो ये किताब एक अवेयरनेस और एक टीचिंग की एक किताब है जो कि हमें ये बताती है कि जितना कम से कम हो सके उतना पाप करें और जितने ज्यादा से ज्यादा हो सके उतने पुण्य करें, जिससे कि कलयुग की उम्र तो बढ़ेगी साथ ही साथ इस दुनिया से पाप भी कम होंगे। आपको क्या लगता है इस किताब के बारे में, क्या ये किताब सच है और सच में कलयुग का अंत नजदीक है? कमेंट करके जरूर बताएं। हाँ, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब भी जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।